वरीय पुलिस अधीक्षक गया को डोभी चेकपोस्ट पर प्रतिनियुक्ति कर्मियों, होमगार्ड के जवान तथा प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा नाजायज नजराना लेने की शिकायत मिल रही थी। वरीय पुलिस अधीक्षक गया द्वारा इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश सहायक पुलिस अधीक्षक शेरघाटी तथा थानाध्यक्ष बालाचट्टी को दिया गया था तथा क्षेत्र भ्रमण के दौरान चेकपोस्ट पर तैनात ग्राहक रक्षक जवानों को भी सचेत किया गया था। परंतु दिन गुरुवार को समेकित जांच चौकी डोभी पर एक ट्रक चालक से अवैध नजराना वसूल करने के क्रम में वहां उपस्थित दलालों के द्वारा ट्रक चालक के साथ मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। वरीय पुलिस अधीक्षक गया द्वारा सूचना प्राप्त होते ही सहायक पुलिस अधीक्षक शेरघाटी तथा थानाध्यक्ष बालाचट्टी को जांच कर तत्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्वरित कार्रवाई करते हुए चालक के निशानदेही पर दलाल राकेश कुमार, पिता अजय कुमार केसरी उर्फ अज्जू लाल ग्राम रटनी तथा बालाचट्टी जिला गया को पकड़ा गया, परंतु कुछ दलाल भागने में सफल हो गए। ट्रक ड्राइवर के द्वारा सूचना दी गई कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट डोभी पर वहां पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो ट्रक चालकों से अवैध वसूली की जाती है और नहीं देने पर उनके साथ मारपीट की घटना कारित की जाती है। इस सूचना को प्राप्त होते ही तुरंत वहां पर SDPO शेरघाटी, ASP शेरघाटी तथा SHO बालाचट्टी को निर्देशित किया गया कि इसकी मामले की जांच करें तथा इसमें शामिल जो भी व्यक्ति शामिल हैं उन पर कार्रवाई करें। जांच के क्रम में एक व्यक्ति को वहां से पकड़ा गया जिसका नाम है राकेश कुमार। उक्त व्यक्ति एक प्राइवेट व्यक्ति है जो कि जिसके द्वारा बताया गया कि उसको गाड़ी साइड कराने का कार्य दिया गया है और उनसे वो चालान नहीं कटवाने के नाम पर पैसा वसूलता है और अगर कोई नहीं देता है तो उसके साथ मारपीट की घटना भी कारित करता है। उसके द्वारा बताया गया कि इस मामले में जो वहाँ पे चेकपोस्ट प्रतिनियुक्त कर्मी हैं तथा वहाँ पर प्रतिनियुक्त होमगार्ड के जवान हैं जो कि परिवहन विभाग तथा एक्साइज विभाग से हैं, उनके द्वारा भी इस कार्य में उनकी संलिप्तता रहती है। तो इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ASP शेरघाटी के नेतृत्व में जब वहाँ पर रेड किया गया तो वहाँ से एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक जो ऑपरेटर है वहाँ पर चेक पोस्ट पे, उसके पास जब छापेमारी की गई तो उसके काउंटर रूम में, उसके जो काउंटर का जो रूम है वहाँ पर जो चादर के नीचे से 6270 रुपया बरामद किया गया और साथ में जो चालान के माध्यम से उसके द्वारा पैसा इकट्ठा किया गया था 1,70,600 रुपया, वो भी बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि यह जो 1,70,600 रुपया वो विभिन्न जो वाहनों से चालान के माध्यम से उसको कलेक्ट किया गया है तथा 6270 रुपया वहाँ पर उसके द्वारा बताया गया कि वहाँ जो होमगार्ड के दो जवान हैं उनके द्वारा अवैध रूप से वसूली करके वहाँ पर रखा गया है। इस पूरे मामले में अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जिनके नाम हैं राकेश कुमार जो कि दलाली का कार्य वहां पे करता था, सुमन कुमार जो कि ऑपरेटर का कार्य वहां पे करता था और ब्रजेश यादव तथा शंभुनाथ पांडे जो कि होमगार्ड का जवान वहां पे प्रतिनियुक्त था लेकिन इस प्रकार की गलत हरकतों में वो शामिल रहता था। इस मामले में अन्य जो इसके कुछ अन्य सहयोगी हैं जो भी फरार चल रहे हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।